बुलाया गया है तो फिर आए हैं, और जब बुलाया जाएगा तब आएंगे। थोड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम कुछ अटेंड कर पाए इसलिए क्षेत्र चले गए थे, इस वजह से थोड़ा विलंब हो गया। क्या कल पूछताछ में आप ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए क्या? देखिए, वन बाय वन हर चीज़ों को निकाल निकाल के इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो वो अपने हिसाब से बुला रहे हैं। देखिए, हमें यही पता है कि जो अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है कि जो केसेस हैं उसको आधार बना के ये सारा चीज किया गया है, तो अभी तक तो उसके आगे कुछ पता नहीं है। पॉलिटिकल केसेस अभी तक तो ताज़ा कुछ ताज़ा कोई केस तो हुआ नहीं है परिवार में किसी के ऊपर। डिवाइस वाइज की भी जांच हो रही है, जो मोबाइल वो सब तो सारा ले ही गए हैं, तो उस पर तो करेंगे। नहीं, आप ही लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, और अंदर तो उसके बारे में पूछा नहीं गया, और बार बार ये अवैध कब्जा वाला मामला क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि आप लोगों को बार बार हमने बोला है कि किसी का अगर पैरवी किया, जमीन विवाद तो बहुत आम बात है, वो बहुत जगह जमीन विवाद होता है, अगर एक मोहल्ले का जमीन का विवाद निकाल के देखा जाए तो हमको लगता है हर विवाद में फिर घुस के और उसको देखना चाहिए कि कौन किसका विवाद है, किस तरफ है, क्या है। तो ये सारा आधिकारिक रूप से जो अधिकारी हैं वो ऑथेंटिक होते हैं जांच करने के लिए। हम लोग अपना, हमारा कोई इंटरेस्ट कभी भी किसी ज़मीन पे नहीं रहा। हम भले किसी व्यक्ति को आते हैं कि हमारा ज़मीन विवाद है और जीएम लैंड का, या फिर मुझे लगता है कि जिस ज़मीन विवाद का बात कर रहे हैं आप लोग, वो जीएम लैंड है, सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन को कोई कैसे ले सकता है? और अगला पक्ष का कहना है कि वो लीज़ में वो लिया है, तो ये तो अधिकारी का काम है ये सब करना। इसमें ज़मीन विवाद में हम लोग कहाँ से हैं? ये तो बहुत ही साफ सुथरा बात है। इसमें आप लोग की पुरानी जो विक्टिम, मैं तो ये कह रही हूँ कि कौन है विक्टिम, विक्टिम का नाम बताइए। अभी तक तो इस तरह का कोई सवाल नहीं आया, क्योंकि पुराने केसेस में, बहुत पुराने नहीं है, जब से हम विधायक बने तब से ही मेरे ऊपर केस वेस सारा हो रहा है। अब तो जब से विधायक बने तब से सारा चीज हो रहा है, अब ईडी भी हो रहा है। अम्बा जी, ये जो मोबाइल या लैपटॉप या सारी चीजें हैं, इसमें कहीं आपके सामने खोलकर कुछ जांच किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है? हाँ, वो सब भी जांच हो रहा है। मैम, इधर देखिए, आपसे पूछताछ, कुछ पूछताछ नहीं हुआ अभी तक, अभी तक कोई पूछताछ नहीं हो रहा, बस इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं अपने स्तर के बारे में। कोई नहीं, नहीं कुछ नहीं, किसी तरह की कोई आपको अभी तक समझ में आया कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है? वही समझने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ भरने बोल रहे हैं तो वो भर रहे हैं, कुछ डिटेल्स भरने बोल रहे हैं वो भर रहे हैं, तो जो भी चीज पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं, अभी तक तो नहीं पता चला है। बुलाना क्या लगता है में क्या कहना? आज नवरात्रा शुरू हुआ है और क्षेत्र से ही बहुत सारा कलश यात्रा अटेंड करके आए हैं, और 2 बजे का समय मिला था और लेट भी हो गए, तो क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, और उस इतनी बड़ी ताकत मेरे साथ है, तो हम समझते हैं कि इसमें घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और हमने हमेशा सेवा भाव से एक एक व्यक्ति का काम किया है, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से लोगों का बात सुना है, और बाकी सबसे सुप्रीम पावर तो ऊपर वाले भगवान हैं, उनसे सुप्रीम कोई नहीं होते, और उन पे मेरा पूरा आस्था है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।